इधर दमोह में भी चक्रवाती तूफान निसर्ग का असर देखा जा रहा है। कल देर शाम से बूंदाबांदी के साथ शुरू हुई बारिश आज तेज हो गई, बदरा जमकर बरसे, बादलों में धुंध छाई हुई है और आगे भी ये बारिश लगातार जारी रह सकती है। जिले के तापमान की बात करें तो 10 दिनों में बड़ी उठापटक तापमान में देखने को मिली है। 24 मई को अधिकतम तापमान 45.5 के साथ भीषण गर्मी का दौर शुरू हुआ था। ये वही दौर था जब नौतपा चल रहा था। इसके दो दिन इस तरीके से तपने के बाद लू का असर रहा, फिर आंधी तूफान और बारिश की वजह से वो लू का असर खत्म हो गया।